बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हम आज बात करने जा रहे हैं थीम्स की, जो कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा पायोजीन ओनील के हैं। उस पर हम और रिवेंज का, बाइंडिंग फोर्स ऑफ फेज, प्रेजेंस ऑफ डेथ अमंग द लाइविंग लिविंग। तो अब हम आज इन तीनों की बात करेंगे। रेस्ट ऑफ द थीम्स जो हैं वो मैं अदर वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा, बिकॉज के मैं डिटेल के साथ इन तीन थीम्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको फुली सुन लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से स्किप करके चला जाएगा, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन जो है मैं इसके अंदर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सो लेट गेट स्टार्ट। सो सेंट्रल इन द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज द थीम ऑफ रिवेंज। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ द कैप्टन एडम ब्रांड, हु वोव्स रिवेंज अपॉन द मेनन फैमिली फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर मैरी ब्रांसन। हूएवर हिज क्वेस्ट फॉर द रिवेंज क्रिएट्स अ चेन रिएक्शंस which leads to more and greater acts of revenge involving every principal character. So, सबसे पहले तो हमने ये पता होना चाहिए कि जो revenge है वो Morning Becomes Electra का एक central theme के तौर पर हैसियत रखता है, क्योंकि इसकी एक बहुत prominent example जो है हम Captain Adam brand के part में से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? बिकॉज कि वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर वर्क कि इसने बहुत ज़्यादा कसमें उठाई थी। किस बात पर? कि ये मैनन फैमिली को तबाह बर्बाद करके रख देगा, उनसे बदला लेगा। किस रीज़न के लिए बदला लेगा? क्योंकि उन्होंने जो मेरी मदर मैरी ब्रांटन के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया है डेविड मैनन ने, और जो उनके साथ बर्ताव किया है मैरी ब्रांटन के साथ, ठीक है, और उस वजह से वो अब बदला लेगा। However, ये जो क्रिस थी, वो जो जदोजहद थी बदला लेने की, इसने एक चेन को क्रिएट किया। कैसे एडम ब्रांड का बदला है वो कैसे क्रिस्टीन के जरिए लिया जा रहा है, और क्रिस्टीन का जो बदला है वो कैसे, मतलब कि उसकी बेटी लविनिया ले रही है और लविनिया ओरन का सहारा ले रही है, तो ये एक मुकम्मल चेन बनती है। अच्छा, अब इन द होम कमिंग हमने देखा है कि ब्रांड क्या कहता है इन द होम कमिंग के अंदर। वो कहता है कि He planned to get the revenge on Ezra Menon by taking the Christine Menon from him. His love came from that decision that he may also have counted Lavina Menon for the same reason to pit have the two women against one another. Ab in the homecoming ke andar Ezra Adam Brandt ye keh raha tha, Captain Adam Brandt wo ye keh raha tha कि मैं अज़रा मैनन से जब वो मिला ना, तो उसकी नज़दीक तरीन जो चीज़, सबसे ज़्यादा महबूब तरीन चीज़ जो देखी अज़रा मैनन के, वो थी उसकी वाइफ क्रिस्टीन मैनन। उसने कहा कि मैं अब इसको क्रिस्टीन मैनन से अलग कर दूंगा, क्रिस्टीन मैनन को अपने प्यार के झांसे में फंसा लूंगा, ठीक है, ये फेक लव था स्टार्ट पे, तो उसको अपने प्यार के झांसे में फंसा लूंगा, जब ये एक चीज़ हो जाएगी तो मैं अज़रा मैनन को जुदाई में, उसकी जुदाई में रुलाऊंगा और उसे बदला ले लूंगा। अब इसने जो लव का थीम था, मतलब लव को चूज किया था अज़रा मैनन से बदला लेने के लिए। अच्छा, ये जो थीम था लव का, जिसने अज़रा मैनन से बदला लेने के लिए चूज किया था, डेट हैज आल्सो इम्पोज्ड ऑन द लविना मैनन, डेट इज एक्चुअली अ डॉक्टर ऑफ द अज़रा मैनन। तो जब ये चीज हुई क्रिस्टीन मैनन से भी और लविना मैनन से भी, जब उसने लव की बेस पर उसको छीनना चाहा अज़रा मैनन से दोनों को, तो ये दोनों बीवियों, दोनों जो औरतें हैं, बेटी और माँ है, इनके दरमियान क्लैश आ गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेम पर्सन को चाहती थी। हुआवर दिस वन एक्ट ऑफ रिवेंज क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन ऑफ वेंजेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो एक्ट वन था, इसमें एक रिवेंज की चेन क्रिएट हुई है। सिंस क्रिस्टीन इज नॉट द कंटेंट मेयरली टू हैव एन अफेयर विद एडम ब्रांट। सिर्फ क्रिस्टीन ही नहीं थी जिसका एडम ब्रांट के साथ रिलेशन रहा है, बल्कि शी मर्डर्स हर हस्बैंड। सिर्फ अफेयर ही नहीं रहा, बल्कि उसने इसी लव की बेस पर अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया, जो कि एडम ब्रांट ऑलरेडी चाहता था, और एडम ब्रांट ने इसके लिए हेल्प भी की थी। ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली आल्सो अल्टीमेट रिवेंज ऑन अज़रा मैनन, ठीक है, बट इट डजंट स्टॉप हियर। ये बात यहां ही खत्म नहीं हुई, बल्कि लविना बिकम्स बेंट अपॉन रिवेंज फॉर हर फादर्स डेथ। बल्कि लविना ने अब ठान ली थी कि वो अब आपके अपने बाप का बदला जरूर लेगी, तो शी मैनिपुलेट्स हर ब्रदर, उसका नाम क्या था, ओरन मैनन। अब ओरन मैनन ने क्या किया, इनसे किलिंग द ब्रांड, उसने मैनिपुलेट किया ओरन मैनन को, तुम्हें के एडम ब्रांड को मारना चाहिए, बिकॉज के ही इज एक्चुअली अ मर्डर्स ऑफ आवर फादर।
So Oren wants to kill the brand for that कि he did to his father. तो अब Oren Jumanan है उसको पक्का believe हो गया कि हाँ इसी ने मेरे father के साथ बुरा किया है और अब इसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी. So however he also wants to punish his mother for her sexual sin with another man, a man who was not him. तो सिर्फ यही नहीं था कि Oren Jumanan सिर्फ Adam Brand को ही मारना चाहता था, doesn't. बल्कि वो अपनी माँ से भी बदला लेना चाहता था, बिकॉज के जो उन्होंने फिजिकल रिलेशन रखा है दूसरे मर्द के साथ, जो कि उनका मर्द था ही नहीं. विद दीज गोल्स इन द माइंड ऑफ द ऑर्डन एंड लवीना किल द ब्रांड. अब ये जो चीजें थी इन दोनों बहन भाइयों के माइंड में घूम रही, डैट इज एक्चुअली बिकम्स अ रीजन ऑफ रिवेंज फ्रॉम द एडम ब्रांड. तो ये एडम ब्रांड को मार देते हैं. अब जब ये मार देते हैं तो वेन लवीना एंड द ऑरन एंड लवीना टेल्स द क्रिस्टीन के व्हाट दे हैव डन, कि उन्होंने क्या कर दिया. तो क्रिस्टीन किल्स हरसेल्फ. उन्होंने बताया जाके क्रिस्टीन को कि हमने तुम्हारे लवर को मार दिया है. तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उसने क्रिस्टीन ने खुद को गोली मार दी. ठीक है, तो मतलब खुद को मार दिया उसने. दिस वॉज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब ये इरादतन नहीं था कि क्रिस्टीन भी खुद को मार देगी. ठीक है, एटलीस्ट ऑरन के लिए मतलब ये नहीं था कि मैं अगर जाके अपनी माँ को बताऊंगा कि मैंने एडम ब्रैड को मार दिया है तो वो खुद को मार देगी. ठीक है, ये अनइंटेंडेड था. सो लवीना मे वेल हैव एक्सपेक्टेड इट. तो लवीना को बोल कहता है कि लवीना को इस बात का खूब अंदाजा था, क्योंकि लवीना असल में जानती थी इनके कोर रिलेशनशिप को. ठीक है, तो डिवास्टेटेड ऑरन सीक्स revenge from against the Lavina for both this, for her exercise of the sexuality with the tribe members during their travel to their Ireland. So Oren kills himself out of the guilt for his mother's death and his murder of the brand. तो ये अब ये जो तबाही हो जाती है, ठीक है, तो अब Oren जो है वो Lavina के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि ये जो मर्डर हुए हैं, ठीक है, ये मर्डर के पीछे लवीना का भी बहुत बड़ा उनका, क्योंकि खुद का अफेयर भी चल रहा था, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखना चाहती थी उसके साथ. ठीक है, तो अब वो चाहता था कि उसके साथ ड्यूरिंग ट्रैवल, जो वो आयरलैंड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, जो इनका एक ड्रीम था और इनका उस हिसाब से, तो उस दौरान करना चाहता था वो उसके साथ, मतलब बहन के साथ. तो Oren kills herself. तो Oren यहाँ पर खुद को मार देता है. वो इसलिए मार देता है कि लवीना ने झूठ की बेस के ऊपर उसकी माँ को मरवाया है और एडम ब्रांड को मरवाया है, क्योंकि एडम ब्रांड की शक्ल बिल्कुल Oren से मिलती थी. ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसकी समरी गौर से पढ़ी हो, सो इन द फाइनल एक्ट ऑफ द हॉन्टेड, फाइनल एक्ट के अंदर हमने देखा है कि जो हेजल है, हेजल नील्स, ठीक है, एक पीटर है और एक हेजल है, दोनों बहन भाई हैं, जैसे लवीना और Oren है. ठीक है, अब लवीना और Oren की हेजल और पीटर के साथ शादी होनी थी, ये एक बात क्लियर रखिएगा. ये क्या करती है, हेजल बेग्स लवीना नॉट टू मैरी हर ब्रदर. ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे भाई से शादी करो. बिकॉज ऑफ डैट के शी बिलीविंग समथिंग विल हैपन टू हिम इफ ही मैरिज हर. उसको यकीन था कि अगर मेरे भाई पीटर ने लवीना के साथ शादी की तो कुछ ना कुछ जरूर होगा इनकी लाइफ में. So at first, Lavina dismisses this idea. Lavina कहती है मैं इस आइडिया को नहीं मानती. So when she sees, जब वो इसको देखती है, the effect of the Adam Brand, कि Adam Brands के बदले का उसके ऊपर असर क्या हुआ है, तो she realizes that के Hazel was right, के Hazel ठीक कह रही है Hazel. And the family is cursed, और पूरी की पूरी family के ऊपर को जो है वो तबाही के किनारे पर चली गई, कर्स्ट लानत भेज चली गई इनके ऊपर. तो शी रिलीजेस पीटर, उसने पीटर को छोड़ दिया, एंड इंस्ट्रक्ट सेथ बैकविद उनका घरेलू मुलाजम था, टू ब्रॉड, ठीक है, अप द हाउस, छोड़ दो घर को. तो शी विल बी ट्रैप्ड इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर, घर के अंदर एक पूरा ट्रैप चल रहा था. ट्रैप मीन के एक सोची समझी साजिश चल रही थी, जिसके अंदर सारा घर तबाह हो गया उसका. तो और इसी ट्रैप के अंदर मैनन हमेशा हमेशा के लिए मर गया. इवन इन द डेथ ऑफ एडम ब्रांड, जो एडम ब्रांड की डेथ हुई थी, हैज हिज अल्टीमेट रिवेंज अपॉन द मैनन फैमिली. जब एडम ब्रांड की डेथ हो गई थी, तो मैनन फैमिली का
रिवेंज खत्म हो गया था, जब मतलब कि क्रिश्चियन की डेथ भी नहीं हुई थी, क्योंकि क्रिश्चियन की डेथ एडम ब्रांड के बाद में हुई है, जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दे आर लाइन विल डाई प्रोडक्ट ऑफ विद लवीना, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई, लवीना को भी एटलीस्ट वही सब कुछ करना सहना पड़ा। सो लवीना सीम्स इनसेंस बाय दिस प्ले एंड पागल हो गई, ठीक है, बट हर फाइनल एक्ट इज वन ऑफ द काइंडनेस बाय ब्रेकिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू पीटर, ठीक है, इस पे काइंडनेस पे आके इसने पीटर से एंगेजमेंट तोड़ दी। तो लवीना स्टॉप्स द साइकिल ऑफ रिवेंज, उसने कहा बस अब मैं बदला मजीद नहीं लेना चाहती। हैड शी मैरिड विद पीटर नील्स, क्या वो पीटर नील्स के साथ शादी की थी उसने या नहीं की थी, या करेगी या नहीं करेगी, तो इट माइट हैव गोन ऑन फॉरएवर, ये बात उसके जहन से निकल गई। तो दिस साइकिल इज द नेचर ऑफ द वेंजेंस, तो बाय शोइंग के हाउ वन एक्ट ऑफ द रिवेंज लीड्स टू अनदर, कि किस तरह एक अमल जो था बदले का वो दूसरे को सरंजाम दे रहा था, दूसरे अमल को पैदा कर रहा था, मतलब कैसे एडम ब्रांड, कैसे उसकी मैरी ब्रांटन की जो है वो इंसल्ट हुई, उसके साथ बर्ताव हुआ, उसकी डेथ हुई, फिर किस तरह एज्रा मैनन की हुई, फिर किस तरह एडम ब्रांड की हुई, किस तरह क्रिस्टीन की हुई, तो ये एक एक्ट दूसरे एक्ट की को लीड कर रहा था। तो ओनील ब्रिंग्स रिवेंज फुल सर्कल अंटिल इट कैन गो नो फर्दर। नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्स ऑफ फेट, इसमें फेट लूम है ओवर द कैरेक्टर इन द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, कैरेक्टर्स के दरमियान थी, तो ये क्या कर रही थी, पुशिंग देम टुवर्ड द इनविजिबल एंड, एक नागजीर एंड की तरफ, ठीक है, जिसका इंतकाम बुरा था उसकी तरफ धकेल रही थी। इफ द ऑडियंस बिलीव द कैरेक्टर्स एक्शन, अगर ऑडियंस को यकीन होता कैरेक्टर्स के एक्शन के ऊपर डेट वर इंडिविजिबल इनएडविजिबल, जो कि नागजीर थे, तो दे मे ऑल्सो बिलीव, तो उनको ये भी यकीन हो जा रहा था कि इट इज अ रैली इट इज नॉट देयर फॉल्ट, हकीकत में उनका फॉल्ट नहीं था, उनका कसूर नहीं था, ठीक है, क्योंकि जिस तरह हो रहा था उनके साथ, तो वो कोई भी सुनता कोई भी देखता उनकी जगह, तो यही वो प्रिटेंड करते जैसा उन्होंने किया, तो इट वॉज ऑल द प्री डेस्टिनेट, तो ये उनका एक्चुअली एक्चुअल में मुकद्दर था, उनके मुकद्दर में लिखी हुई थी, तो उन्होंने ऐसा ही करना था, बिकॉज के मैंने ऐसे कहा कि बिकॉज के ह्यूमन नेचर इस चीज के इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जो क्रिस्टीन के साथ हुआ, कोई भी एज ए डॉक्टर कोई भी ऐसा बियर नहीं करता, और इनके साथ जो हुआ आफ्टर लिसनिंग द जब सारी बातें सुनी है उसने लवीना के लवीना से, तो औरन कोई भी औरन की जगह होता तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो जब उसको फिर लवीना का पता चला, तो फिर जैसे होना था उसके साथ कि मैंने अपनी माँ को मारा है, ठीक है, उस आदमी को मारा जिसकी शक्ल मेरे से मिलती थी, ठा उड़ा दिया उसने खुद को, तो ये कोई भी उसकी जगह होता तो मतलब कि ऐसे ही करता। तो इन द ट्रायोलॉजी द ओरेस्ट्रिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है ना वो ओरेस्ट्रिया से लिया गया है बाय द एस्किलस, जो कि वर्क लिखा गया था 5 to 5 BC के अंदर एंड 544 BC के अंदर, तो जिसमें गॉड थे, एक फर्क है इस एक्ट के अंदर कि ये ओरेस्ट्रिया से लिया गया है, लेकिन जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है, लेकिन इसमें फर्क है कि जो एस्किलस का जो वर्क है ये वाला, इसमें गॉड्स की एंट्री बहुत ज्यादा है, गॉड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के अंदर गॉड्स कोई भी नहीं पाया जाता। द गॉड्स यूज सीम्स टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, ये जो गॉड्स यूज है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हर कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। सो जैसे कि उसने एग्ना मैनन को, एग्ना मैनन जो प्रिटेंड कर रहा होता है यहाँ पर अज़रा मैनन को, ठीक है, तो ये बेसिकली उसी से लिया हुआ है वर्क, तो ये सारे कैरेक्टर एक दूसरे को जो है ना वो प्रिटेंड कर रहे हैं और एक दूसरे की छवि बनी हुई है, मतलब सिम्बोलिकली कैरेक्टर्स हैं, तो एग्ना मैनन को बेसिकली जो है वो अज़रा मैनन प्रिटेंड कर रहा है, तो ये एग्ना मैनन को पनिश करता है फॉर ऑफेंडिंग हिम, कि तुमने उसका, क्योंकि वो उससे बेजार हो गया था। सो इन दैट प्ले द गॉड्स एंड द फ्यूरीज आर एजेंट्स ऑफ फेट, यहाँ पर गुस्सा और जो गॉड्स थे वो एक दूसरे के एजेंट्स थे, किस चीज के लिए, फेट के लिए, एंड दे पुश द एक्शन फॉरवर्ड, और यही सारा एक्शन को आगे लेके जा रहे थे। सो क्लाइटेमनेस्ट्रा जो कि यहाँ पर क्रिस्टीन मेनन को प्रिटेंड कर रही है एज ए सिम्बोलिक,
तो इन मर्डरिंग हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को मार देती है एग्नामेनन को, वाज मेयरली देयर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो सिंस मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन द एस्किलिस वर्क, सो ऑडियंस नो कि इट इज नॉट गोइंग टू एंड वेल, कि इसका अच्छा इंतकाम नहीं होने वाला है, इसका जो एंड तो होना है वो अच्छा नहीं होना फॉर द मेनन फैमिली, मेनन फैमिली के लिए। तो ओनील जो कि राइटर है इस वर्क का, हुएवर इंक्लूडेड नो गॉड इन हिज प्ले, इसने, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस वर्क के अंदर कोई गॉड नहीं है, सो द मेनन फेट मेयरली एग्जिस्ट, लेकिन मेनन की जो फेट है वो एग्जिस्ट करती है विद नो सुपरनेचुरल एलिमेंट, किसी भी नेशनल एलिमेंट के बगैर। सो ये जो प्ले है वो शुरू होता है विद मौनफुल, मातम के साथ, साउंडिंग चैंटी के साथ, एक गीत के साथ। ठीक है, सिनेंडुआ उसका नाम था। तो ये जो चैंटी है इज अ टाइप ऑफ द सॉन्ग सेलर सिंग वाइल द वर्क। तो ये जो सेलर होते हैं ना, जो बहरी जहाजों में काम करते हैं समुद्र के अंदर, तो वो काम करने के दौरान वो जो जिस तरह का सॉन्ग सुनते हैं ना, वो इस तरह का सॉन्ग बज रहा था, मौनफुल था, मौनफुल मातम ज्यादा अफसोस उदास था। तो ये जो सॉन्ग था इज संग बाय द सेट बैकवर्ड, ये सेट बैकविथ गा रहा था विद द ब्रेथ ऑफ के व्हाट मस्ट वंस हैव बीन अ गुड बैरिटोन। अच्छा, ये जो बैरिटोन होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअली एन अडल्ट मेल सिंगिंग द वॉइस बिटवीन टू टेनोर एंड बेस। इसमें लिरिक्स भी शामिल थे कि आई एम बाउंड अप, मैं बंधा हुआ हूं, मैं इसको बंद नहीं कर सकता, मतलब चुप नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। विच हेयर हैज अ हिडन मीनिंग, इसका कोई छुपा छुपा हुआ मीनिंग भी है। यस, द सेलर इज फाउंड ऑन अ जर्नी, जितने भी वहां पर सेलर होते हैं उन्होंने जर्नी करनी ही करनी होती है, चाहे वो जिस रूट पर मर्जी उसको अपना कोई भी पैसेंजर आके ले जाए। तो हुआवर इट आल्सो मीन्स दैट कि द करेक्टर आर बाउंड, जिस तरह वो कश्ती वाले बाउंड होते हैं ना, कि जिस जिस रॉक के अंदर वो आपको आपके कस्टमर कहते हैं आपको जाना पड़ता है, तो इसी तरह वो बाउंड होते हैं, तो इस तरह यहां पर करेक्टर भी बाउंड है या उनकी किस्मत बाउंडेड है टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। सो एज इट साउंड्स पीपल डिस्कस द मेनन फैमिली, सो द ऑडियंस गेट्स इट फर्स्ट द ग्लांस ऑफ द लवीना मेनन। सो जिस तरह शहर के लोग डिस्कस कर रहे थे मेनन फैमिली को, तो ऑडियंस जो थी, जो सामईन थे, वो गेट्स इट फर्स्ट ग्लांस, ठीक है, ऑन लवीना मेनन। तो उन सबकी नजर सबसे पहले लवीना मेनन के ऊपर पड़ी। तो शी इज क्लैड इन ब्लैक एस के इफ इन द मॉर्निंग्स फॉर शेडिंग द डेथ टू कम, कि जिस तरह लवीना ने ब्लैक पहना हुआ है मॉर्निंग मॉर्निंग को, मतलब कि मातम को फोर शेडोइंग कर रहा होता कि डेथ टू कम, के मौत आने वाली, क्योंकि ब्लैक कपड़ा किस चीज को रिसेंबल करता है, सारो को, ठीक है, दुख को, ठीक है, मातम को वो सिंबल कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा होने जा रहा है उनकी लाइफ। तो देर आर नंबरियस एग्जाम्पल ऑफ द करेक्टर एक्टिंग एज के इफ दे आर नो कंट्रोल ओवर, ठीक है, व्हाट टू कम। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर कि जिसमें करेक्टर्स जो है वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता रहे कि अब आगे उनके साथ क्या हो रहा है, कि एज इफ दे आर मेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फेट। तो ये सारा का सारी बात किस्मत के ऊपर डिपेंड कर गई थी उनकी। सो एडम ब्रिंट स्पीक्स ऑफ बीइंग द ड्रॉन टू द क्रिस्टीन मेनन, ठीक है, टू रिवेंज हिमसेल्फ अपॉन द अज़रा मेनन। तो उसने खुद भी कहा था ना एडम ब्रिंट ने कि मैं खुद बदला ले लूंगा उसके साथ फाइटिंग के अंदर, या मुख्तलिफ तरीके उसने बताए थे। तो ओरन हैज बिजारे ड्रीम्स ऑफ किलिंग, ठीक है, तो जो ओरन ने अजीबो गरीब ख्वाब देखे थे मारने के, ओवर एंड ओवर, अ मैन हु लुक्स लाइक हिज फादर, एक आदमी को जो उसके बाप की तरह दिखाई देता है। मैंने आपको बताया ना कि ओरन की शक्ल ब्रेंट से मिलती थी। दिस फोर शेडोज बोथ हिज मर्डर ऑफ द एडम ब्रेंट एंड हिज लेटर सुसाइड। अब पहले ये किस चीज को फोरशैडो करता था कि पहले ये एडम ब्रेंट को मारेगा और फिर ये खुद सुसाइड कर लेगा। तो दो शख्स हो गए जिनको इसने मारना था। सो इन हॉन्टेड क्रिस्टीन टेल्स हेजलनेल्स, क्रिस्टीन हेजलनेल्स को बताती है कि गॉड ट्विस्ट एंड रिंग्स एंड टॉर्चर्स आवर लाइफ, कि खुदा हमारी जिंदगी को, जो गॉड्स हैं वो हमारी जिंदगी को टॉर्चर्स की तरफ जो है वो मरोड़ रहे हैं, उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अनटिल वी पॉइजन ईच अदर टू डेथ, जब तक हम एक दूसरे को जहर दे के ना मार दें, किसी भी तरीके से ना मार दें, ठीक है, तब तक सुकून नहीं मिलने वाला। दिस इंप्लाइज डैट के शी वॉज फेटेड टू किल हर हस्बैंड, ये जो चीज है वो हमें बताती है कि उसकी किस्मत में लगी थी कि वो अपने हस्बैंड को मारेगी,
एंड इज देयरफॉर नॉट टू ब्लेम। ठीक है, तो अज़रा मैनस बिहेवियर इंप्लाइज दैट के ही नोज हिज डेथ इज फेटेड टू अकर एंड दैट क्रिश्चियंस विल किल हिम। अज़रा मैनन का जो बिहेवियर था वो इस बात की तकलीद कर रहा था और वो जानता था किस चीज को, डेथ के बारे में, कि वो फेटेड है, वो मुझे मिलनी ही मिलनी है। जो अक्कर होगी किस चीज के जरिए, वो किस, कौन मारेगा उसको, क्रिस्टीन विल किल हिमसेल्फ, कि क्रिस्टीन उसको जरूर मारेगी, क्योंकि उसका बिहेवियर शो करवा रहा था। जब मैंने आपको बताया ना कि जब वो अपने रूम में आता है तो वो बेडरूम में आता है तो वो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे ही डेट इज नॉट माई बेडरूम, तो ये मेरा बेडरूम मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, ये किसी और मर्द के लिए बिछाया हुआ था, ये किसी और मर्द का इंतजार कर रहा था। बिकॉज के अगर बंदा 6 महीने बाद आर्मी में वैसे भी था तो आपको पता छुट्टी भी ऐसे ही मिलती है उनको, तो वो जब आ रहा था तो घर वाले तो बड़े जोश खरोश के साथ उनका जो इस्तकबाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, उसका रूड बिहेवियर था अज़रा मैनन के साथ। तो अज़रा सेज के ही फील्स एज के इफ समथिंग इज वेटिंग फॉर हिम। अज़रा को इस चीज का एहसास हो चुका था कि कोई चीज इसके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, एंड ही फील्स कि हिज बेडरूम इज नॉट हिज। देखा कि उसको महसूस हो चुका था कि इसका बेडरूम इसके लिए नहीं है, बट दैट इट इज अ विशिंग फॉर समवन एल्स टू मूव इन। ठीक है, इंप्लाइंग कि ही इज नो लॉन्गर इन कंट्रोल हिज डेस्टिनी। ठीक है, और वो अपनी किस्मत को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बेडरूम किसी और के लिए बिछाया गया था। ठीक है, सो अज़रा इज अ मैन हु हैज सर्वड वेल इन अ मिलिट्री। ठीक है, एंड एज ए जज, ये मैरिटल लाइफ से हटके अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छा आदमी था। इसने अपनी मिलिट्री सर्विस बड़े अच्छे से निभाई है, एज ए जज बड़े अच्छे से, ठीक है, जो फैसले करता था, मतलब वो जो सारी ड्यूरिंग लाइफ इसने गुजारी है अपनी, तो वो बड़ा अच्छा गुजरा था। तो इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, बड़ा अक्लमंद था और मजबूत तरीन आदमी था ये। तो येट इन हिज इंट्रैक्शन विद द क्रिश्चियन ही इज अ वीक। नो डाउट कि ये फैसलों में या अपनी ऑफिस की जो लाइफ है उसमें बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन ये जब अपने मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये बहुत कमजोर पाया गया। तो ही बेग क्रिश्चियंस टू लिसन टू हिम एंड कंसीडर हिज लव। वो मांगता ही रहा, इल्तजा ही करता रहा क्रिश्चियन को कि मेरी सुनो, ठीक है, मुझे मेरे प्यार को समझो। तो ही ट्राइज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू हर, उसने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा ही हूं, इवन एज के ही इज अवेयर टू हर बैट, हत्ता कि वो जानता था कि उसके साथ उसके वो उसके साथ धोखा कर रही है। बिकॉज के लेटर तो पहले लवीना के हाथ पहुंच, लवीना के जरिए पहुंच गया था। तो दीज आर द एक्शन ऑफ द मैन डूइंग एनीथिंग टू ट्राई टू स्टॉप द जो है वो मशीनिस्टिक्स ऑफ द फेट्स एंड ही डज नॉट सक्सीड। तो ये जो एक्शंस हैं जो आदमी के जरिए ले गए थे, वो किसी भी मशीन तो थी नहीं कि जो किस्मत को स्टॉप कर सकती थी, तो ही डज नॉट सक्सीड, तो वो कामयाब नहीं हो सके। So similarly in the haunted, so Oren is a man जो fighting back against a predestined end, जो के अपनी मुकद, मतलब कि Oren एक आदमी था, एक उनमें से सिर्फ एक Oren ही आदमी था haunted की अगर हम बात करें, जो last part था इसका Morning Becomes Electra का, इसने fight की fighting back against a predestined end, ठीक है, जो के इसके मुकद्दर में इंतकाम लिखा हुआ था ना, उसके खिलाफ इसने जहाद किया या फाइट की। तो ही हैज हैड नाइटमेयर्स ऑफ द किलिंग द सेम मैन ओवर एंड ओवर, अ मैन हु लुक्स लाइक हिज फादर एंड लाइक हिमसेल्फ। तो लेकिन इसका जो नाइटमेयर था, जो ड्रोना ख्वाब इसने देखा था, कि वो एक आदमी को मारेगा जो उसके बाप की तरह दिखाई देता और खुद की तरह दिखाई देता। तो ही फाइट्स बैक अगेंस्ट द नॉलेज दैट ही विल डाई बाय ट्राइंग टू कीप हिज सिस्टर विद दिस। तो वो फाइट करता है किसके अगेंस्ट, वो उसको, क्योंकि इसको इस चीज का नॉलेज इल्म हो चुका था डैड कि ही विल डाई, कि वो मर जाएगा, बाय ट्राइंग टू कीप दिस, इसको करते हुए हिज सिस्टर्स भी थे जो उसकी सिस्टर ने उसके साथ किया है। सो फेलिंग दिस, वो इसमें भी नाकाम हो जाता, तो ही कमिट सुसाइड, तो वो सुसाइड कर लेता। तो हिज सिस्टर्स फाइनली फ्री, अब उसकी सिस्टर आजाद हो चुकी है, क्योंकि ना उसके सर पे बाप का साया, ना भाई का है, ना माँ का है। तो प्लान्स टू लीव द मैनन हाउस, इसने प्लान बनाया कि टाटा बाय बाय करो मैनन हाउस को एंड गो फार अवे, और यहां से भाग जाओ। सो इन द एंड, अगर शी फेट कीप्स हर बाउंड टू द मैनन डेड, कि जो फेट थी उसने मैनन फैमिली को मौत के झांसे में बांध के रखा हुआ था।
So now we are going to move toward the last, but not least important, the theme, the presence of the death among the living. So hand in hand with the theme of the fate in Dead of the Death. जिस तरह एक बहुत करीब तरीन जो थीम था मोनी बिकम्स इलेक्ट्रा का फेट, इसी तरह डेथ भी है। इन एक्ट वन ऑफ होमकमिंग, एक्ट वन के अंदर देखते हैं होमकमिंग के अंदर, तो क्रिस्टीन डिस्क्राइब्स दैट कि मेनन हाउस एज ए टॉम, के मेनन होम एक गुंबद की तरह है, जो वाइट गुंबद है। वाइट गुंबद एक्चुअली डेट एक्चुअली शोइंग प्रिटेंडिंग द मास टेक्निक, सेइंग डेट के अजराज फादर्स बुलेट, वो उसको बताती है कि ये अजरा के फादर ने बनाया था, सच एज ए मॉन्स्ट्रोसिटी एज ए टेम्पल फॉर दिस हेट। अब ये मॉन्स्ट्रोसिटी का मतलब क्या है कि समथिंग स्पेशली अ बिल्डिंग दैट इज अ वेरी लार्ज एंड इज कंसीडर्ड अनसाइटली। तो ये जो है मॉन्स्ट्रोसिटी एज ए टेम्पल फॉर हिज हेट्रेड, तो ये टेम्पल किस चीज का था, उसकी नफरत का टेम्पल था। तो डेथ इज ऑल अराउंड द मैनन, मतलब के ये अजरा मैनन के फादर के मतलब के उसने खुद इस टेम्पल को बनवाया था, ठीक है, तो ये उस नफरत के अंदर बनाया गया था। तो ये किस चीज को प्रिटेंड कर रहा था, ये भी प्रिटेंड कर रहा था कि डेथ जो है वो ऑल अराउंड घूम रही है मैनन फैमिली के। सो लवीना वियर्स द कलर्स ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टू थर्ड ऑफ द प्ले, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लवीना का ड्रेस उसने ब्लैक पहना हुआ था, जो कि अफसूदगी की अलामत है। सो व्हेन शी चेंज टू कलर, जब वो कलर को चेंज करती, तो हर ब्रदर कैस्टिस इज हर्ट, तो उसका भाई एक्चुअली उसको सर्जिश कर रहा था, अजाब में मुब्तला कर रहा था कि द डेड इन द फॉर्म ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द मैनन एंसेस्टर्स कीप अ वॉचफुल आई ऑन ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द मैनन हाउस, कि जो मौत है वो उनके अबाव अजदाद को पोर्ट्रे कर रही है, मतलब कि उनके अबाव अजदाद से मैनन फैमिली के जो अबाव अजदाद से वो मौत को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। कीप अ वॉचफुल आई, ठीक है, ऑन ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द मैनन हाउस। द करेक्टर ऑफ द ऑरन मैनन पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्सोनिफाई द डेथ, मैनन ऑरन मैनन का जो करेक्टर है वो किसको पर्सोनिफाई कर रहा है, जिस तरह लवीना का जो ड्रेस था वो पर्सोनिफाई कर रहा था डेथ को, इस तरह इसका फुली करेक्टर, क्योंकि इसने ख्वाब ही ऐसा देखा था, वो भी पर्सोनिफाई कर रहा था डेथ को। ओरन हैज रिटर्न फ्रॉम द फाइटिंग इन अमेरिकन सिविल वार, अभी ओरन लौटा ही था अमेरिकन सिविल वार से, जो कब हुई थी 1861 में हुई थी, 1865 में खत्म हो गई थी, मतलब 1861 में शुरू हुई थी और 1865 में ओवर हो चुकी थी। सो बाय फॉर फ्रॉम द डेडलीएस्ट वार इन द यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, तो ये एक बड़ी डेडलियर वार थी, ये एक अलग थीम है, ठीक है, इसको पढ़ लेना वैसे। तो ही इज अ शेल शॉक्ड एट द कार्नेज के ही सीन, तो उसने वहां पर क्या देखा उस जंग के अंदर, कि एक कत्ले आम चल रहा था जो बहुत ज्यादा टेरिबल था, तो ही कैन नॉट स्टॉप सेइंग इट, तो वो उसको स्टॉप ना कर सका। तो ही हैज नाइटमेयर्स ऑफ किलिंग मैन एंड थिंग्स कॉन्स्टेंटली ऑफ सुसाइड एंड डेथ, तो वो ख्वाब देखता है कि वो आदमियों को मार रहा है, एंड थिंक कॉन्स्टेंटली, और वो मुसलसल सोचता है ऑफ सुसाइड एंड डेथ, खुदकुशी और मौत के बारे में। इवन ही इज द तो फैंटेसीज ऑफ एस्केपिंग टू एन आइलैंड इन्वॉल्व अ फिक्शनल आइलैंड इनहेबिटेड बाय द कैनिबल्स, कैनिबल्स कहते हैं आदमखोर, इंसानों का गोश्त खाने वाले। तो उसका उसकी खुश फहमी थी कि वो यहाँ से जब भाग जाएगा, मतलब इस आदमखोर आयरलैंड से भाग जाएगा, भागने में कामयाब हो जाएगा, जो कि फिक्शनल आयरलैंड था, ठीक है, स्टिल और इन ट्राई टू आउटरन, अब वो अभी भी कोशिश कर रहा है तेज भागने की, टू इन इन अविजिबिलिटी ऑफ द डेथ, ठीक है, कि इस नागीज मौत की तरफ। तो वहां पे होता है कि द फर्स्ट schemes to keep Lavina under his thumb and failing that begs her to stay with him. और वो वहां पर पहले तो मनसूबाबंदी बनाता है कि वो लवीना के साथ रहेगा, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाता है इस चीज के साथ कि लवीना
उसके साथ कभी नहीं रह सकती, ठीक है, उसको रियलाइज हो जाता। तो ही नोज डैट के ही इज डेस्टिन्ड टू डाई अदरवाइज एंड इन द एंड ऑफ द स्कम, कहते हैं मजबूरन तस्लीम करना किसी चीज को। तो वो कहता है कि वो क्या करता है, वो जानता था कि ये अब मौत मुकद्दर में है, अदरवाइज एंड इन द एंड ऑफ द स्कम, और वो इसके आखिर पर तस्लीम कर लेता है। सिमिलरली द अज़रा मैनन इज अ मैन हु हैज लुक्ड डेथ इन अ इज अ कहता है कि इन अ फेस। अब वो भी क्योंकि ये भी जैसे औरन होता है वैसे ही उसका बाप भी मिलिट्री में होता है, तो उन्होंने मौत को बड़े करीब से देखा होता है। सो ब्रिगेडियर जनरल ही हैज रिटर्न फ्रॉम द सेम ब्रूटल वार, तो ये भी सेम दोनों बाप बेटा एक ही वार से जो है ना वो लौटते हैं, एंड ही शुड बी हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली। तो वो बड़ा खुश होता है कि वो कम अज कम अपनी फैमिली में आ चुका है। नो डाउट कि उसको अपनी क्रिस्टीन मतलब उसकी वाइफ की डिसलॉयलिटी के बारे में पता था, बट फिर भी वो हैप्पी था कि वो मौजूद है अपनी फैमिली के अंदर, बिकॉज के उसने पहले वो क्या देखता था, सिर्फ लाइफ को देखता था, अब उसने डेथ से लाइफ को देखा है, मौत होते देखी है लोगों को, कत्ले आम होते देखा है उसकी तरफ, उसने कहा कि मैं अब जिंदगी को ज्यादा तरजीह देता हूँ। तो ही हैज नो रीजन टू सस्पेक्ट के व्हाट हिज वाइफ इज अबाउट टू डू, मैंने आपको बताया ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो समहाउ अगरचे ही नोज कि ही ट्राई टू बार्गेन विद हर, तो इट इज लाइक बार्गेनिंग विद द डेथ इटसेल्फ, उसने बार्गेनिंग करने की कोशिश की, सौदा करने की कोशिश की उसके साथ, ठीक है, इट इज लाइक बार्गेनिंग विद द डेथ इटसेल्फ। तो उसको नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ के साथ ही बार्गेनिंग हो जानी है। तो द प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज अ लिस्ट ऑफ द डेथ्स मर्डर्स एंड सुसाइड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो अज़रा मैनन्स डेथ प्रोवाइड्स द मोटिवेशंस ऑफ एडम ब्रैंड्स मर्डर। तो जब अज़रा मैनन की डेथ हुई थी, क्योंकि उसके बाद अब मैं आपको सारा थीम बताने लगा हूं कि किस तरह अज़रा मैनन की डेथ हुई और उसने मोटिवेट किया एडम ब्रैंड की डेथ को, कि एडम को भी मरना चाहिए। एडम्स ब्रैंड्स मर्डर लीड्स टू क्रिस्टीन सुसाइड, कि क्रिस्टीन ने जो सुसाइड किया, तो हर सुसाइड लीड्स टू हर ओन सन्स, उसके बेटे का, उसने बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद जो है वो लवीना प्रे करती है, मिन्नतें करती है कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं इसको बचा लूं, कि आई कुड नॉट बियर अनदर डेथ, मैं कोई दूसरी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज। सो येट व्हेन ऑरन कमिट सुसाइड, जब ऑरन सुसाइड करता तो शी एक्सेप्ट्स इट, तो वो उसको कबूल करती है विद क्लेम इन अरिचिबिलिटी, कि वो एक काम इनविटिबिलिटी के साथ कबूल करती है, एक नाकरेजी के साथ कबूल करती है। तो फाइनली द मैनन्स हाउस जो था इज हॉन्टेड एंड कर्स्ड, तबाह बर्बाद होकर रह जाता है, अ होम टू डेड, एक मौत का घर बन के रह जाता है। तो अज़रा मैनन सेज ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस कि डेथ मेड मी थिंक, ये वो उसकी लाइन थी, वो कहता था कि डेथ मेड मी थिंक ऑफ लाइफ, कि मौत ने मुझे जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी बेहतर है। बिफोर डेट के लाइफ हैड ओनली मेड मी थिंक ऑफ डेथ, पहले तो इसके था कि जिंदगी के बाद आखिर मरना ही मरना है, ठीक है, तो उसकी तरफ रजू कर, मतलब कि ये उसका प्लान इस तरह था। तो पहले अब वो क्या करता था, कहता कि डेथ मेड मी थिंक ऑफ लाइफ, क्योंकि वो वार के अंदर हो गया आ चुका, तो उसने लाखों जिंदगियां अपने सामने मरते देखी थी। सो लाइफ एंड डेथ आर लक्ड इन बैटल इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, तो जो जिंदगी और मौत है ना वो बंधी हुई है किसके अंदर, लड़ाई के अंदर, किस किन के, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के अंदर। सो इन द एंड डेथ विंस, तो आखिर पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मौत है वो जीत जाती है। I hope so, can you understand? If you understood, then please don't forget to subscribe, like and share our channel with other peers as well.